आईपीएल 2024 में लीग के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब शुरुआत है प्लेऑफ की, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है क्योंकि कंफ्यूजन रिजर्व डे का हो रखा है। लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि रिजर्व डे के बारे में तो बताएंगे भी, और ये भी बताएंगे कि अगर रिजर्व डे में भी बारिश हो गई, मुकाबले के दिन की तो बात छोड़ दीजिए, अगर रिजर्व डे में भी बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा, कौन सी टीम आगे क्वालिफाई करेगी और पूरे प्लेऑफ का नियम क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आते हैं दरअसल इस खबर पर। अगर बात करें आईपीएल की टॉप फोर टीमों की तो वहां पर केकेआर, एसआरएच, आरआर और फिर आरसीबी आपको दिख जाएगी। जो पहला क्वालिफायर खेला जाएगा वो खेला जाएगा 21 तारीख को किन टीमों के बीच में, कोलकाता के बीच में और फिर हैदराबाद के बीच में। जो टीम जीतेगी सीधे फाइनल में जाएगी। दूसरा है एलिमिनेटर, आरआर और फिर आरसीबी के बीच में 22 तारीख को। ये दोनों होंगे कब, ये दोनों होंगे 21 और 22 को। खेले कहां जाएंगे, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब दूसरे वाले में से जो हारेगा वो तुरंत घर चला आएगा और जो जीतेगा वो क्वालिफायर टू में जाएगा, जो वहां से हारी है पहले से उनसे भिड़ेगा। ये सारा चीज तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चलो जीत गए हार गए पहुंच गए। अब मानिए कि 21 तारीख को बारिश हो जाती है केकेआर और फिर एसआरएच के मुकाबले में, फिर जो प्लेऑफ का नियम है वो अब आपको हम बताते हैं। प्लेऑफ के नियम की अगर बात करें तो अगर बारिश होती है तो टीमों को 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा जिससे मैच कम से कम 5 ओवर का हो सके। लेकिन अगर बारिश से फिर भी मैच नहीं हो पाया तो फिर अगले दिन रिजर्व डे रखा गया है। रिजर्व डे में भी अगर मैच नहीं हो पाता है तो फिर पॉइंट्स टेबल के आधार पर यह फैसला किया जाएगा कि कौन सी टीम आगे, यानी कि अगर केकेआर की टीम आगे तो फिर सीधे फाइनल जाएगी, और फिर अगर जो अगर आरसीबी और आरआर के मुकाबले की बात कर ली जाए कि उस दिन फैसला नहीं हुआ, अगले दिन सारी चीजें कर ली गई, सुपर ओवर तक का मैच नहीं हो पाया, तो फिर जो टीम ऊपर है वो आगे चली जाएगी। ये है पूरा गणित। यानी कि कोशिश ये रहेगी कि जैसे 21 तारीख को हर मुकाबले में जो समय होता है उससे ज्यादा 2 घंटे और वेट किया जाएगा कि बारिश रुके मैच करवाया जाए। अगर उस 2 घंटे वेट करने के दौरान अगर बारिश रुकती है तो कम से कम 5 ओवर का मैच करवाने की कोशिश करी जाएगी, या फिर कोशिश करी जाएगा चलिए 1 ओवर का हो जाता है सुपर ओवर, उसमें फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर ये सब भी नहीं हो पाता है तो फिर अगले दिन रिजर्व डे में मैच होगा। अब सवाल, अगर अगले दिन रिजर्व डे में भी मैच नहीं होता है तो फिर जो हमने आपको बताया कि भाई फिर यही है कि पॉइंट टेबल के आधार पर टीम आगे बढ़ जाएगी। अब आप इस नियम को कैसे मानते हैं और क्या अब आपको पूरा ये नियम समझ में आ गया, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।